नमस्कार, मैं हूं निशा। आज है 24 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में लाखों बच्चों को दी जाएगी स्पेशल क्लास। स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देंगे विजय सिन्हा। बिहार में दुरुस्त होगी पुलिसिंग, ड्रोन करेगा अपराधियों का पीछा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए नक्स साइकिल से पहुंचा पाकिस्तान। गिल ने तोड़ा सचिन का 24 साल पुराना रिकॉर्ड। अब बढ़ते हैं बिहार की 25 खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जल स्तर का किया जायजा। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार जायजा लेने निकले थे। बता दें कि राजधानी पटना के कुछ इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नीतीश कुमार ने जायजा लिया। मौके पर जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि सोन नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया और पूरी तरह से तैयार रहने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि वो अलर्ट रहे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अभय कुमार की। बिहार भले ही उन्नत राज्यों में शामिल ना हो, लेकिन यहाँ की प्रतिभा उन्नति के शिखर पर होती है। देश विदेश में ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के साथ साथ जहाँ भी चाहे वहाँ अपना स्थान बना लेते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अभय कुमार की। उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1991 में मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए वो रूस गए। वो एक डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने के लिए भारत वापस आए, लेकिन रूस वापस लौट गए। जल्द ही वो एक दवा व्यवसाय शुरू करने लगे। वहीं 2015 में पुतिन की पार्टी में वो शामिल हुए। 2018 में उन्होंने पश्चिमी रूस शहर के कुर्क से एक प्रांतीय चुनाव जीता। स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देंगे विजय सिन्हा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये लगातार चर्चा हो रही थी कि नए सरकार के तरफ से विधानसभा का स्पीकर कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को ये साफ कर दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। विजय कुमार सिन्हा के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि अब वो बुधवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव के प्रतिकार करेंगे। विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नियम कूल नहीं है, ये संसदीय परंपरा के विपरीत है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बिहार में दुरुस्त होगी पुलिसिंग, ड्रोन करेगा अपराधियों का पीछा। पुलिस का ड्रोन अब अपराधियों को पकड़ेगा। बिहार में अब लोगों को पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्रोन नजर आएगा। इसके लिए राज्य के डीजीपी द्वारा संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार में लोगों को पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्रोन नजर आएगा। इसके लिए राज्य के डीजीपी द्वारा संबंधित अधिकारी और पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। अब पुलिस सुदूर इलाकों में अपराधियों पर निगरानी करने के लिए ड्रोन का सहारा लेगी। इसके लिए डीजीपी के निर्देश से पहले राज्य स्तर पर ड्रोन सेल का गठन किया जाएगा और इसके पुलिस स्तर पर इसे गठित किया जाएगा। धान की रोपनी नहीं कर पाने वाले किसानों को वैज्ञानिकों की अहम सलाह। इस साल मॉनसून के महीने में भी पर्याप्त से कम बारिश हुई, उसके वजह से किसानों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। इस साल जिस तरह से धान की रोपनी में कमी आई है, लिहाजा धान के पैदावार में भी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन किसान अपने नुकसान का हर्जाना अब खुद भर सकते हैं। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि धान की फसल जो भी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई गेहूं की फसल से कर सकते हैं। ICAR के वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में जहां धान की रोपनी नहीं हो पाई, तो वहीं क्षेत्र में गेहूं की उत्पादकता के लिए अवसर बनाया जा सकता है। यहाँ के किसान यदि 15 नवंबर तक गेहूं को बो देते हैं तो प्रति हेक्टर 1 टन अनाज का पैदावार बढ़ जाएगा। 6 लाख हेक्टर में भी ये अन्य साल के मुकाबले 6 लाख टन अधिक गेहूं पैदा होगा। इन जिलों में आज बारिश की संभावना। बिहार में फिलहाल मौसम का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इस दौरान पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीते दिन मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट में कहा गया कि राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य भाग के जिले में आज यानी बुधवार को आंधी बारिश के साथ साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। आंधी और बारिश की संभावना वाले जिले में पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, नवादा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज और बक्सर शामिल है। BPSSC ने ESI के लिए जारी की इंटरव्यू की तारीख। सरकारी नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा चल रही
31वीं बिहार न्यायिक सेवा भर्ती प्रक्रिया आखिरी स्टेज में है। वहीं बीपीएसएससी ने परिवहन विभाग के अधीन परिवर्तन अवसर निरीक्षण ईएसआई ने खाली पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाले साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का आयोजन अगले महीने 8 से 19 सितंबर तक किया जाएगा। इस माध्यम से खाली पड़ी 212 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए 2019 में विज्ञापन निकाला गया। इसके लिए मुख्य परीक्षा 29 अगस्त 2021 को आयोजित हुई थी। अकेले इथेनॉल सेक्टर में आए 57% प्रस्ताव। बिहार में निवेश करने वाले निवेशकों को तीन सेक्टर खाद्य प्रसंस्करण, एथेनॉल और नवीनकरणीय ऊर्जा में विशेष फोकस रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा दिलचस्पी इथेनॉल प्लांट को लेकर के निवेशक दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक मंजूरी इथेनॉल प्लांट को लेकर के ही मिले हैं। आपको बताते चले कि इस अवधि में इथेनॉल सेक्टर में 32,454 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पहले चरण में 159 यूनिट की स्वीकृति मिली है, जो कि बिहार में कुल निवेश का अकेला ये 57% है। इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि एथनॉल बिहार के औद्योगिक सेक्टर में सूरत बदल सकता है और साथ ही हजारों लोगों को रोजगार मुहैया भी करवा सकता है। नेपाली नगर मामले में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश से पूछा सवाल। पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर मामले में अब राज्य सरकार से सवाल पूछा है और अतिक्रमण हटाने को लेकर के हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मंगलवार को जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश कुमार के सरकार बदलने के बाद मत मांगी है। बता दें कि पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए अधिवक्ता पीके शाही ने बहस की थी। उन्होंने कहा था कि मकान जो भी बने हैं उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है। इसके पहले सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष रखा था और कोर्ट को बताया था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इस मामले में उचित मुआवजा दिया जाए और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त 2022 को होगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया करारा जवाब। पटना में बन रहे विधायक मंत्रियों के लिए नए भवनों का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यहां बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर बीजेपी ने विरोध किया। तेजस्वी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम करना तो बड़का झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी का काम है, लेकिन हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम धर्म और जाति पर गौर करना है, लेकिन हमारे लिए सब एक है। अहिल्या स्थान इस वजह से है बेहद खास। अहिल्या स्थान दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत अहियारी गांव में स्थित है। यहां माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस मंदिर का मान्यता है कि पौराणिक कथा के अनुसार लोगों का मानना है कि जिस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार जनकपुर जाने के क्रम में राम जी ने ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से अपने चरण से किया था, उनके स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या में जान आ गई थी। आमतौर पर पुरुष पुजारी मंदिरों में पूजा करते हैं, पर यहां महिला पुजारी लोगों से पूजा करवाती है। यहां नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। बिहार में लाखों बच्चों को दी जाएगी स्पेशल क्लास। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई का स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र ज्यादा है लेकिन वो कक्षा में कम है, तो उनको अब स्पेशल क्लास मिलेगा। लगभग 1,26,000 बच्चों को इसका फायदा भी मिलेगा। इनमें उम्रवार पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 42 करोड़ से अधिक का फंड की मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि शिक्षा विभाग एक विशेष योजना लेकर के आ रही है, इसके तहत बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सितंबर महीने से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। लाखों बच्चों के नाम इसके लिए चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं उनमें 79,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में विशेष दक्षता पर 6 माह के लिए 6 महीने पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी, उन्हें ट्रेन किया जा चुका है। चुनावी नियमों में हुआ बदलाव, कई उम्मीदवारों का पत्ता कटा। बिहार में नगर निकाय चुनाव में बड़े बदलाव किए गए हैं। पटना मेयर पद पे अब महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस बदलाव से लगभग 12 प्रत्याशियों का पत्ता साफ हो गया। इसके साथ ही चुनाव से पहले ही उम्मीदवार चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। इस बार मेयर पद से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो कई लोगों के लिए निराशाजनक है। नए नियमों के अनुसार महापौर का पद महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, लेकिन इस बार महापौर का चयन जनता द्वारा किया जाएगा। वहीं पुरुष प्रत्याशियों की पटना नगर निगम क्षेत्र में महापौर बनने की इच्छा इस बार अधूरी रह जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया सितंबर में शुरू कर दी जाएगी।
डीजल अनुदान वितरण में इस जिले ने किया टॉप। बिहार में इस साल सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों की मदद के लिए डीजल पर अनुदान देने का फैसला किया है। यहां अनुदान की राशि में बढ़ोतरी भी की गई है। इसके लिए 19,645 किसानों ने आवेदन किया था, जिनमें 8,651 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिसमें 7,728 किसानों के खाते में राशि भेज दी गई है। इस बीच डीजल अनुदान वितरण मामले में जिलेवार सूची निकाली गई, जिसमें राज्य भर में मुजफ्फरपुर में डीजल अनुदान वितरण में टॉप किया है। वहीं मधेपुरा दूसरे स्थान पर है। आपको बताते चले कि किसानों को सिंचाई के लिए प्रति लीटर 75 रुपए का डीजल अनुदान दिया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए नक्श साइकिल से पहुंचा पाकिस्तान। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनको नहीं भूल पाए हैं। ऐसे में उनको याद करने और चाहने वालों की बड़ी संख्या है। उनके चाहने वाले उनकी यादों को आज भी दिल में समेटे हुए हैं। ऐसा ही सुशांत का एक चाहने वाला बिहार की राजधानी पटना में भी है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए नक्श साइकिल से 1700 किलोमीटर की दूरी सफर तय करके पटना से पाकिस्तान की यात्रा करके लौटा है। वो पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब तक गए थे। अपनी यात्रा उन्होंने एक महीने में पूरी की। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के दिन 14 जून को नक्श ने यात्रा शुरू की थी। दानापुर लौटे नक्श को साई अंगना परिवार ने सम्मानित भी किया है। चिराग ने नीतीश कुमार के देशभक्ति राष्ट्रवाद को लेकर के किया बड़ा हमला। चिराग पासवान जमुई के एक पत्रकार की हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी देशभक्त, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्तों के लिए खड़े नहीं होते हैं। ये बात बीते दिन की घटना देख करके समझ आ जानी चाहिए। अब उनकी पुलिस नौकरी की मांग कर रहे युवाओं पर लाठी बरसा रही है। नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए सोचने वाली व्यक्ति है। यहाँ चिराग ने ये भी कहा कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 2024 से पहले ये सरकार गिर जाएगी, बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। पटना एयरपोर्ट पर लगाया गया ओपनी रेज ड्रॉपर रडार। पटना एयरपोर्ट पर ऐसा डिवाइस लाया गया है कि अगर कोई विमान बनारस से टेक ऑफ करती है तो टेक ऑफ करने के साथ ही पटना एयरपोर्ट रडार पर आ जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर 5 करोड़ की लागत में नया DVOR यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेज ड्रॉपर रडार लाया गया है। इससे विमानों की पहले से बेहतर ट्रैकिंग संभव हो पाएगी और ATC का काम भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। आपको बताते चले कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेज ड्रॉपर रडार को पटना एयरपोर्ट पर 4 एकड़ जमीन पर इंस्टॉल किया गया। वहीं 1,216 करोड़ की खर्च से नए टर्मिनल का भी निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अगले वर्ष अंत तक तैयार होने के बाद ये देश के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट टर्मिनल में से एक होगा और विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त भी होगा। बिहार में बाढ़ का खतरा, गंगा का जलस्तर बढ़ा। बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसे में अब कोशी और बागमती भी अपने उफान पर है। दोनों खतरे के निशान से नीचे बह रही है। वहीं दूसरी ओर गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों खतरों के निशान की ओर बढ़ रहे हैं। बता दें कि बीते 24 घंटे में कोशी का जलस्तर में 16 सेंटीमीटर की कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ कोसी और बागमती के जलस्तर में भी कमी आई, लेकिन खगड़िया में बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। यहां गंगा का भी बढ़ना जारी है। गंगा मुंगेर में भी बढ़ रही है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के भी काम किए जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी चल रही है। रेलवे स्टेशन योजना की शुरुआत हो गई है। इसके निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जा रही है, जिसका सर्वे हो रहा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर स्टेशन में पूर्ण विकास में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण बेगूसराय के एक निर्माण कंपनी करा रही है। यहां यात्रियों को भी कई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके लिए एक सर्वे टीम को गठन किया गया है। फिलहाल सर्वे का काम किया जा रहा है। अपने अभियान में बोले प्रशांत किशोर, चुनाव काबिलियत से जीती जाती है। जनसुराज यात्रा को लेकर के प्रशांत किशोर मधुबनी पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां उन्होंने लोगों को कहा कि राजनीति से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में आना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि मेरी राजनीति समझ दूसरों से बेहतर है। कोई भी चुनाव अपनी काबिलियत से जीतता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता। इस मौके पर उन्होंने मधुबनी के कई प्रखंड का दौरा किया। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार के विकास के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं घर घर जाकर के वो लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे टोलटेक्स के फर्जी खबर के दावे के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन वो सच हो ये जरूरी नहीं।
इसी कड़ी में एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आदेशानुसार अगर आप यात्रा के दौरान 12 घंटे में वापस आते हैं तो आपके रिटर्न जर्नी का कोई टोल टैक्स नहीं होगा, जिसे PIB फैक्ट चेक ने फर्जी बता दिया है। भारत सरकार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस तरह कोई भी आदेश नॉर्थ इंडिया की तरफ से जारी नहीं किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। वीवी गिरी ने 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से पत्रकार और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिंतामन केलकर का जन्म 1972 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर खेर का जन्म 1888 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म 1908 में हुआ था। भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक बीना दास का जन्म 1911 को हुआ था। भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का जन्म 1997 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता अंजलि देवी का जन्म 1927 को हुआ था। प्रमुख समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन 1925 में हुआ था। आधुनिक भारतीय सांस्कृतिक और समाज शास्त्र के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1968 को हुआ था और आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का निधन 2000 में हुआ था। गिल ने तोड़ा सचिन का 24 साल पुराना रिकॉर्ड। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में सोमवार को खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मैच में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। अपने पहले शतक में ही उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुभमन गिल ने 97 गेंदों पर 130 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और एक छक्का लगाया। गिल की इस पारी पर उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा दिया। जिम्बाब्वे की धरती पर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय क्रिकेट में शुभमन गिल नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। गिल ने सचिन तेंदुलकर का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन ने 1998 के बुलवायो में नाबाद 127 रनों की पारी खेली थी। व्हाट्सएप डिलीट मैसेज को रिकवर करने का देगा मौका। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटा के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन खुद को अपडेट करता रहता है और अपने यूजर्स के लिए एक्साइटिंग फीचर्स भी लाता रहता है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर लाने वाला है जो लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप आने वाले दिनों में डिलीट किए गए मैसेज को रीस्टोर करने का ऑप्शन लाने वाला है। इसमें अब यूजर किसी व्हाट्सएप चैट में कोई मैसेज को डिलीट करते हैं तो स्क्रीन के बॉटम में एक पॉपअप दिखाई देगा। ये पॉपअप मैसेज डिलीट लिखा हुआ इसके साथ एक अंडू बटन भी होगा। अपनी बड़ी माँ से मिलकर भावुक हुए चिराग पासवान। जमुई सांसद चिराग पासवान अपने पैतृक गांव शहर बनी पहुंचे, जहां वो अपनी बड़ी माँ राजकुमारी से भी मिले। चिराग को देखते ही वो भावुक हो गई और उन्हें गले लगा करके रो पड़ी। यहां चिराग अपनी बड़ी माँ को बिठा करके हालचाल पूछते हुए नजर आए। चिराग खगड़िया के दौरे पर थे, इस दौरान वो अपने पैतृक गांव पहुंचे। यहां उन्होंने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सुशासन का पोल खुल रहा है, बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी को कम से कम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीते दिनों हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप में से बहुत से लोगों ने जवाब हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके दिया था। जिन्होंने भी अपना जवाब हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख के दिया था उनके नाम है रंजीत सिंह, अतीक खान, संतोष कुमार, महेश दास, पंकज बिहारी, मनीष कुमार, राजकुमार प्रसाद, रानी गुप्ता, पवन सिंह, अर्जुन प्रसाद, विजय सिंह, सरेश प्रसाद, राजीव कुमार और प्रदीप कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में लोकप्रिय स्थान कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें।